1742 में आज ही के दिन दुनिया का हैली कॉमेट अर्थात हैली धूमकेतु से परिचय कराने वाले एडमंड हैली का निधन हुआ था। एडमंड हैली इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध खगोलविदों में जाने जाते हैं। बचपन से ही हैली की गणित में खास रुचि थी। 22 साल की उम्र में हैली ने ऑक्सफोर्ड से मास्टर की डिग्री हासिल की और रॉयल सोसाइटी में फेलो रिसर्चर के तौर पर चुने गए। उन्होंने बताया कि हैली एक ऐसा धूमकेतु है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है और यह करीब 76 साल में एक बार दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। एडमंड हैली ने इसकी जानकारी 1705 में दी। वहीं आखिरी बार इसे 1986 में देखा गया था और अब अगली बार इसके 2061 के मध्य में दिखाई देने की उम्मीद है। आज ही के दिन 1761 में मराठाओं और अफगानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ, अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दाव पेचों में मात खा गए। यह लड़ाई 18वीं सदी में सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः दो कारणों का परिणाम माना जाता है। पहला, नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदू पद पदशाही की भावना से दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। यह युद्ध अहमद शाह ने जीत लिया था, लेकिन दोनों ही पक्षों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आंकड़ों के अनुसार इस लड़ाई में 30,000 से अधिक मराठा योद्धा मारे गए थे और इतने ही इस युद्ध के बाद अफगान सिपाहियों के क्रोध की भेंट चढ़ गए थे। 1977 में आज ही के दिन फॉर्मूला 1 रेस में फर्राटा भरने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ था। नारायण कार्तिकेयन भारत के एकमात्र फॉर्मूला 1 चालक हैं। उनका पूरा नाम कुमार राम नारायण कार्तिकेयन है। कार्तिकेयन ब्रिटिश फॉर्मूला फोर्ड सीरीज में यूरोप में चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। इसके बाद नारायण कार्तिकेयन ने फॉर्मूला एशिया चैंपियनशिप की ओर रुख किया। 1995 में उन्होंने कार रेस में भाग लिया और अपनी काबिलियत को साबित किया। इसके साथ ही फॉर्मूला एशिया इंटरनेशनल सीरीज जीतने वाले वह प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई भी बने। कई साल फॉर्मूला 3 में शिरकत करने के बाद 2005 में नारायण कार्तिकेयन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से अपने फॉर्मूला 1 करियर की शुरुआत की, जिसमें वह 15वें स्थान पर रहे। 1994 में आज ही के दिन ब्रिटिश शाही परिवार के 300 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य ने कैथोलिक धर्म अपनाया। इस परिवार की डचेज ऑफ कैंट एक प्राइवेट सर्विस में कैथोलिक चर्च की सदस्य बनी। ब्रिटानी संसद ने 1701 में पारित एक कानून के तहत राजगद्दी के वारिस रोमन कैथोलिक धर्म नहीं अपना सकते और ना ही इस धर्म के अनुयायी से शादी कर सकते हैं। डचेज ऑफ कैंट के पति ब्रिटेन की महारानी के दूर के भाई थे और राजगद्दी के वारिसों के क्रम में 18वें थे। ड्यूक के दफ्तर की ओर से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि डचेस के फैसले का कानूनी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शादी के समय वो एंग्लिकन थीं। गौरतलब है कि वर्ष 1992 में इंग्लैंड की चर्च के महिलाओं को पादरी बनाए जाने के फैसले के बाद कई नामी गिरामी हस्तियों ने कैथोलिक धर्म अपनाया था।